दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट होता है उसको स्टार्ट करने से पहले कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने प्रोसेस पास करने होते हैं, क्या क्या करने होते हैं, आज हम लेकर आए हैं उसके बारे में आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपडेट हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आगे की प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों ये हमारे कंपनी के बिल्डर साहब हैं, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने आपसे नमस्कार किया, जवाब दे दीजिएगा। देख रहे हैं आप, इन्होंने कुछ जॉइंट मारे हैं जो सैंपल के लिए जाएगा, एक्सरे में जाएगा, फिर वहाँ पे चेकिंग की जाएगी कि ये जो वेल्डिंग हुई है इनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। आप देख सकते हैं इन सभी वेल्डिंगों की जाके एक्सरे की जाएगी मशीन द्वारा कंपनी में, फिर जाके इसको कंप्लीट किया जाएगा कि ये सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो पास किया जाएगा, फिर बाद में ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको अपने बिल्डर से मिलाते हैं और ये बताएंगे आपको कि इसकी प्रोसेस क्या क्या है और कैसे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो ये बताएँगे। चलिए बिल्डर साहब बताइए कि इस जो आपने मारा है ये बिल्डिंग, जी जी, तो इसके बारे में बताइए कैसे क्या क्या होती है। पहले फिटिंग किया जाता है, उसके बाद में रूट मारा जाता है, तब होट पास, उसके बाद में केबिन टिलर मारा जाता है, तब केबिन मारा जाता है, उसके बाद में ओके होता है, तब आटी में जाता है। आटी में जाने के बाद में फेल पास होता है, उसके बाद में लाइन चालू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले रूट मारी जाती है। जैसे ये जो आप ज्वाइंट देख रहे हैं, ये दो पाइप को जैसे काट लिया है, टुकड़ा काट के रखा गया है, ठीक है। इन दोनों पाइपों को ज्वाइंट करने के लिए लेवल मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से सबसे पहले जो राउंड मारी जाती है उसे रूट बोलते हैं, और दूसरे राउंड जो मारी जाती है उसे क्या बोलते हैं सर? हॉट पास बोलते हैं, और तीसरे रूट फिलर बोलते हैं, फिर केपिंग लास्ट जो चौथ जो केपिंग जो ये आखिरी ऊपर दिख रहा है आपको, ये केपिंग मारा गया है, ठीक है। तो इसमें चार रूट मारा गया है और उसके बाद से ये कंप्लीट हुआ है। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें और क्या क्या लिखी होती है, ये जो लिखी गए हैं आप देख सकते हैं, WPS01 PQT01, वेल्डर का नेम है राजू महतो, इन्होंने ये वेल्डिंग मारे हैं, ठीक है। तो जब कंपनी में जाएगा तो ये सब लिख के जाता है, पास है कि फेल है इसी से पता चलता है। और ये पाइप जो देख रहे हैं आप 8 इंच का है इंटू 6.4 mm, इसकी जो थिकनेस है पाइप की जो ये है 6.4 mm है। आईडी नंबर कुछ है SEPL AGP टेस्ट STL WPS01, ठीक है। तो ये सब आज का डेट भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं 19/10/2022, ठीक है। तो ये बिल्डिंग मार के कंप्लीट कर दी गई है, अब इसको भेजा जाएगा एक्सरे के लिए और वहाँ से पता चलेगा कि ये पास है या फेल है। इसके बाद में जब पास हो जाएंगे, ये जो बेल्ट मारी गई जो पास हो जाएगी, इसमें कोई अगर कमी नहीं आती है, तब जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पाइपें रखी हुई हैं जो गैस पाइपलाइन में यूज की जाती है, ठीक है। तो ये सब होते हैं, फिर जाके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। तो कंपनी अप्रूवल देती है, ठीक है, हाँ आपका बेल्डर अच्छा है, बेल्डिंग अच्छा मार रहा है, ठीक है, फिर जाके गैस पाइपलाइन स्टार्ट की जाती है। ये पाइप का इंसुलेशन उतारा जा रहा है, ठीक है, गैस से सिलेंडर से हीट करके, उसके बाद इसके ऊपर की जो इंसुलेशन होती है इसको हटा के फिर बाद में इसका मेन बनाया जाता है ग्राइंडर से। लकड़ा रखा था
दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने एक पाइप का टुकड़ा रखा हुआ है जो गैस के लिए यूज होगा, गैस पाइपलाइन में यूज होगा, लेकिन उससे पहले इसकी इक्विटी होगी, टेस्टिंग होगी। उसके लिए सबसे पहले इसके टुकड़े को काट लिया जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं काट के और एक टुकड़ा वहाँ पे रख जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, फिटिंग किया जा रहा है, फिटिंग किया जा रहा है, ठीक है। जो लेवल मिला के देख रहे हैं आप, पोजीशन है 6G, हाँ 6G की पोजीशन पे है और ये 45 डिग्री पे रखा गया है जॉइंट मारने के लिए। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो गैप है काफ़ी कम रखी गई है, अभी बराबर है नहीं, ठीक है, इधर कम गैप है, इधर ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो अभी इसको भी बराबर किया जाएगा गैप बना, उसके बाद से इस पर जॉइंट मारी जाएगी। नचता हुआ कुछ नचता हुआ और हमारे सामने आप देख रहे हैं एक बेल्डर साहब हैं और ये हैं और आप देख सकते हैं ये हमारे सामने QC इंजीनियर हैं जो इसकी लेवल चेक कर रहे हैं और इसमें वेल्डिंग जो मारी जाएगी वो रॉड कितने का है, 3.2। ये आप देख सकते हैं ये रॉड है जिस रॉड पे से मारी जाती है वेल्डिंग। इधर नहीं आ रहा है, 3.2 mm का रॉड होता है, ठीक है, इस रॉड से मारी जाती है। तो देखिए लेवल किया जा रहा है और इस पे जो सबसे पहले रोट मारी जाएगी 6G पोजीशन में मारी जाएगी, ठीक है। ये वेल्डिंग मारने से पहले इसको हिट किया जा रहा है, ठीक है, और हिट करके फिर से उस पर वेल्डिंग मारना स्टार्ट किया जाएगा। हिट हो गया, अब हमारे बेल्डर साहब तैयार हैं वेल्डिंग के लिए।48 इंची का एक जॉइंट समुद्र से आता था, वहाँ डीजल वहाँ से फिर वो फील होते जाता है। क्या हुआ, तो इस पर टाका लगा दी गई है। अब टाका लगाने के बाद जो जॉइंटर था उसको हटा दिया गया है और बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है पूरी। देखते हैं लास्ट में कितना वक्त लगता है, फिर बताएंगे आपको। रूट हो गया है, रूट कटिंग हो रहा है, अब रूट को कटिंग की जा रही है ग्राइंडर मशीन से, घीसी
घिसा ही रही, जो बारूद होती है ना लगी रहती है उसको घिसा जा रहा है। ठीक है, अभी फिर इसके बाद से होल पास मनाया जाएगा। एलपीजी लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, मेरे को भी स्मेल आ रहा है। नहीं, एलपीजी के भी है आ रहा है। कम कर दिया, हटा दिया।